वो मिसाल है ना कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, तो किसी ने सच ही कहा है। सोमी और रजा के दरमियान जो हालात हैं, इससे तो लगता है कि इनका जोड़ा कभी बना ही नहीं था। तुम लोग ने जबरदस्ती इनका रिश्ता जोड़ा था, जो इतने साल रहकर भी अब जाके टूटा है। बस जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत दुख है। तुम माँ बेटों ने ना इस बात को कुछ ज्यादा ही सर पे सवार कर लिया है। भाई दुनिया है, चलती रहती है, लोग शादियां भी करते हैं, और एक तुम लोग हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सोमी पे आस लगाए बैठे हो। दुनिया से लड़कियां खत्म तो नहीं हो गई ना? और रजा में क्या बुराई है, इसे लड़कियों की क्या कमी? और हाँ, याद आया, मेरी कजन है ना सबिया, उसकी बेटी है समन, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, समझदार, सलीकामंद और फरमाबरदार बच्ची है। तुम कहो तो मैं सबिया से बात करूं। मैं झूठा आसरा नहीं देना चाहती किसी को, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती रजा किसी और से शादी के लिए कभी राजी नहीं होगा। अरे भाई तो उसे समझाओ, सोमी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है, भूल जाए उसे। कैसे भूल सकता है, मैं तो खुद उसे नहीं भूल सकती। मैंने हमेशा सोमी को अपनी बहू के रूप में देखा है, मेरे लिए यह सब आसान नहीं होगा। भाई की मौत मेरे जमीर पर बोझ भरी है। मैं चाहूं भी तो ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती। करने को तुम बहुत कुछ कर सकती हो, पर हिम्मत ही नहीं करती हो। बहरहाल थोड़े दिन इंतजार करके देख लो, फिर मुझे बता देना, मैं सबिया से बात कर लूंगी। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, फिर देखना किसी को याद भी नहीं रहेगा कि सोमी और रजा का रिश्ता कभी हुआ भी था। अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर ये भी समझ ना आए ना, तो अपनी फरी को देख लेना, अगले साल ही मेडिकल की पढ़ाई खत्म हो रही है, माशाल्लाह MBBS कंप्लीट हो जाएगा उसका इस साल। बचपन में रजा के साथ ही तो खेलती थी। ये बात और है कि हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट कर गए, अब यहीं पर आ गए और यहीं रहेंगे। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची मेरी नजरों के सामने ही रहे, और तुम जैसी अच्छी सास मिल जाए तो बस। फिजाब, बता भी दो क्या प्रॉब्लम है। खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या बताऊं, कैसे बताऊं। फिजा मुझे अपना दोस्त समझती हो ना, बताओ बिला झिझक बताओ, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता। एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट लड़की का इस सोसाइटी में रहना, इट्स नॉट इजी। मुझे लगता है लोगों को लगता है कि औरत एक बिल्कुल ही अलग मखलूक है, कहीं और से ही आई है। उसकी हर बात में इंटरफेयर करना, अपने ओपिनियंस देना, वो नाहक समझते हैं। क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मामा ने कहा है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उनसे मिलना छोड़ दूं। What? क्यों? मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। और ये सवाल मैंने उनसे भी किया था, लेकिन वो शायद रैशनली नहीं सोचती,
सिर्फ अपने फैसले सुना देती हैं। कभी कभार लगता है कि मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, या मेरी कोई मर्जी नहीं है, मेरी कोई जिंदगी भी नहीं है। ऐसा मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता, ये बात तुम जानती हो। और दूसरी बात यह है कि हम बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। ऐसा दुनिया में कौन सा बिजनेस होता है जो दो पार्टनर्स बगैर मिले करते हैं? वी हैव टू मीट। तुम ऐसा करो, तुम अपने वालदा को समझाओ, उनको बताओ कि ये मुमकिन नहीं है। क्या लगता है हमजा, मैंने उनसे बात नहीं की होगी? Quite frankly, I'm tired. मैं अपनी फैमिली से हर बात पे भी नहीं लड़ सकती। हमें कोई ना कोई हल निकालना होगा। तुम क्या कहना चाह रही हो? देखो, हम बिजनेस पार्टनर्स हैं ना, फर्स्टली एंड फॉरमोस्ट, तो क्यों ना हम अपने ये सारे मामलात फैक्ट्री में ही कंडक्ट करें। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा और ना ही बातें बनेंगी। फिजा, सीरियसली मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। ये क्या सलूशन है? मुझा प्लीज, तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मेरे दोस्त हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, मैं जानती हूँ ये कोई परफेक्ट सलूशन नहीं है, लेकिन क्या मेरी मदद नहीं करोगे? क्या मेरा साथ नहीं दोगे इसमें? सारी जिंदगी साथ दूंगा तुम्हारा फिजा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सब प्लीज, सब मुझे बोलने दो। बहुत सालों से ये मैंने अपने अंदर दफन किया हुआ है, आज हिम्मत बनी है तो प्लीज लेट मी टॉक, डू नॉट इंटरफेयर। मैं आज से नहीं, कॉलेज के टाइम से तुम्हें पसंद करता हूं। कभी हिम्मत नहीं बनी तुम्हें तुम्हें ये बात बताने की। बुजदिल था मैं, डरता था, और एक फाइनली एक दिन पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई। बिल्कुल टूट गया था मैं, आई वॉज हार्ट ब्रोकन एंड व्हाट नॉट। जीने का कोई मकसद ही समझ नहीं आता था मुझे। मेरा यह हाल मेरे मां बाप ने देखा और उन्होंने सोचा कि इसकी शादी करा देनी चाहिए, और उन्होंने मेरी शादी आलिया से करा दी। वो बेचारी भी खुश नहीं रह सकी मेरे साथ। कैसे रहती? मेरे ऊपर थोपी जो गई थी। फिजा, हम दोनों उन दो किनारों की तरह थे जो साथ तो होते हैं मगर कभी मिल नहीं पाते। हम एक घर में जरूर रहते थे लेकिन एक साथ नहीं थे। दो अजनबी एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। वेल, देयर यू हैव इट, बोल दिया मैंने सब कुछ। फैसला तुम्हारे हाथ में है फैसला, जो तुम्हारी मर्जी हो मुझे खुशी खुशी कबूल होगी। या मैं आता हूं।
रजा, बेटा कुत्सिया अजनबी नहीं है, बरसों से नाता है हमारा, खाला जात है मेरी, और जो कुछ उसने कहा है हमें ठंडे दिलो दिमाग से सोचना चाहिए, और उसने कुछ गलत नहीं कहा। तुम कब तक मायूसियों के अंधेरों में भटकते रहोगे? मुझे दुख होता है तुम्हें देखकर, बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तुम्हारी ये हालत। तो मम्मा आप क्या चाह रही हैं कि मैं आपकी खुशी की खातिर किसी से भी रिश्ता जोड़ लूं? कभी आपने सोचा कि ऐसे रिश्तों का अंजाम क्या होता है? बेटा अगर पॉजिटिव सोच हो ना तो गलत फैसलों को भी सुधारा जा सकता है। तुम कोशिश तो करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सिया ने ठीक कहा है, किसी के बगैर दुनिया रुकती नहीं है। और मेरी दुनिया रुक गई है, मेरी सोच, मेरे जज्बात सब जाकर सूमी पे खत्म हो जाते हैं, उससे आगे मैं कुछ सोच नहीं पाता हूँ। क्यों आखिर रजा, क्यों? कब तक तुम इन सोचों के जाल में उलझे रहोगे? कभी ना कभी तो निकलना होगा ना तुम्हें। तुम क्या चाहते हो कि मैं सारी जिंदगी इस घर की वीरानियां देखती रहूं? कोई खुशी, कोई कहका इस घर में ना गूंजे, यही चाहते हो तुम? मम्मा प्लीज, अपनी खुशी की खातिर मुझे मत सूली पे चढ़ाएं। बेमसरफ रिश्तों ने ना पहले कभी किसी को खुशी दी है और ना देंगे। साला मैं बिल्कुल होपलेस हो चुकी, मुझे खुशियों की अब कोई उम्मीद नहीं है। जिंदगी से मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मोहब्बत में गुजरा हुआ माजी शायद मेरे हाल के लिए काफी। और फ्यूचर, उसके बारे में कुछ सोचा है तुमने? नहीं, और सोचना चाहती भी नहीं। ठीक है बेटा, अगर ये बात है तो फिर इस मसले का कोई हल बता दो, ताकि हम सब की परेशानियां एक साथ खत्म हो जाए। इसका एक ही हल है मामा, टूटी हुई कड़ियों को फिर से जोड़ना होगा। ये इतना आसान नहीं, फिर से सोच। मामा आप ही ने तो कहा है कि पॉजिटिव सोच हो तो गलत फैसलों को भी सुधारा जा सकता है। मैं इस फैसले को सुधारूंगा, सोमी को मेरी बात मानना ही होगी। अब बहुत देर हो चुकी है गजाल, मैं रजा के पास वापस नहीं जा सकती। हमारे रास्ते सिर्फ अलग ही नहीं बल्कि हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। देखो सोमी, जब तक सांसों की डोर जिंदगी से जुड़ी है कुछ भी नामुमकिन नहीं। रिश्ते बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, रवैये बदल जाते हैं, लेकिन दिलों पे पड़ी गर्द जब हटती है ना तो इंसान को वो सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाता है जो उसको पहले नजर नहीं आ रहा होता। देखना तुम्हारे साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा, तुम और रजा अपनी मंजिल की तरफ एक साथ जाओगे। पर मुझे नहीं जाना, मुझे रजा नहीं चाहिए अपनी जिंदगी। किसी भी रिश्ते की बुनियाद यकीन और इज्जत होती, और रजा मुझे वो यकीन और इज्जत नहीं दे सकता। मैं ऐसे ही ठीक हूँ गजाला, मुझे जिंदगी में अब फिर से कोई मोहब्बत, कोई इंसान, कुछ भी नहीं चाहिए। छोड़ो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, कोई और बात करते। यकीन तो नहीं है तुझ पर, तुझ जैसा इंसान कब क्या कर गुजरे, भरोसा नहीं कर सकते। अरे इस बार ऐसा पत्ता फेंका है ना तेरे भाई ने, यकीन कर हक्का बक्का रह गई बेचारी, कुछ समझ नहीं आया बेचारी को कि बोले क्या आगे से। जाहिर है तू जैसे शिकारी इंसान के आगे तो वो बेबसी होगी ना। वैसे
आगे का क्या प्लान है, क्या सोचा है? सोचा तो बहुत कुछ है, अभी अमल करने में थोड़ा सा टाइम है। वो एक बात कहते हैं ना कि ठंडा करके खाओ वरना मुंह जल जाता है, इसलिए इंतजार कर रहा हूँ थोड़ा। देख ले, ज्यादा वक्त नहीं है तेरे पास। क्या मतलब? सफदर और उसके आदमी भूखे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं तुझे। खुश नसीब है तू तो उनके हत्थे नहीं चढ़ा। एक तो ये सफदर जान का अजाब बन गया है, कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ। मुझे डर है किसी दिन फैक्ट्री ना आ जाएगी। इसीलिए कह रहा था कि फिजा को दूर रख फैक्ट्री से। मैं नहीं, परेशानी की बात तो है ही है। यार एक आइडिया है। क्या? मामा, मैं सोच रहा हूं कि इस मामले को हल करने के लिए मैं फिजा की हेल्प लूं। किससे मदद ले रहे हो? जिसने जमाने भर की मुसीबतों को गले लगाया हुआ, वो क्या हेल्प करेगी तुम्हारी? मामा, आप कुछ ज्यादा ही बदगुमान नहीं हो रही फिजा के मामले में? मतलब माना कि उसने गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक नेगेटिव इंसान है। बहरहाल तुम ये छोड़ो, ये बताओ कि इस सिलसिले में वो तुम्हारी क्या हेल्प कर सकेगी? उसकी तो सोमी के साथ बनती भी नहीं। मामा ऐसी बात नहीं है, एक वक्त में जितनी सोमी और फिजा की बनती थी शायद ही किसी बहनों में इतनी बनती हो। बहरहाल मामा, उनके दरमियान जो गलत फहमियां हैं वो खत्म हो गई हैं, अब तो नाराजगी का कोई जवाब भी नहीं बनता। रजा देखो, तुम इस मसले का हल निकालो जितनी भी जल्दी हो सके, प्लीज। यार देख, पैसों को लेकर इस वक्त तो तेरे साथ कोई टेंशन नहीं है ना? नहीं। फिजा से एक अच्छी खासी रकम हथिया चुका है ना तू, तो मेरा मशवरा यह है कि सफदर को खामोश कराने के लिए उससे हाथ मिला ले, चंद लाख मार दे उसके मुंह पे और हमेशा के लिए खामोश कर दे उसे। तू पागल तो नहीं हो गया? तू जानता है ना सफदर किस तरह का आदमी है? इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि सफदर किस तरह का आदमी है। क्या कहना चाह रहा है भाई? देख, तुझे यही टेंशन है ना कि आलिया के हत्याए हुए पैसों को लेकर सफदर तुझसे तकाजा करेगा? नहीं करेगा क्या? जाहिर है करेगा। हाँ तो तू ये तो सोच कि वो ये सब कुछ किसके कहने पर कर रहा है, उसकी कोई जाती लड़ाई तो नहीं है ना तुझसे? अच्छा, आलिया उसकी कजन है, याद है ना मेरे भाई आपको ये बात? ओ भाई, ये लोग किसी के कजन नहीं होते, ये सिर्फ पैसे के रिश्तेदार होते हैं, पैसे के। तू पैसे देगा वो तेरा साथ देगा। यार मेरे भाई सोच, उससे जान छुड़ा तेरी सारी मुश्किलें परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तू फैक्ट्री पर ध्यान दे सकता है, फिजा पर ध्यान दे सकता है, और तो और नए शिकार पर भी ध्यान दे सकता है। तेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अच्छा तो मैं ये सफदर से ये बात कैसे करूं? मैं ये सब कुछ तो मुझ पे छोड़ दे, तेरी सारी सेटिंग सफदर से मैं करवा दूंगा, वो तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इसके बदले सिर्फ एक शर्त है, तुझे मेरा ख्याल करना पड़ेगा। पहले कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तेरा ख्याल नहीं रखा? रखा है ना मेरे भाई, इस बार भी रखूंगा। बस तू सफदर से सेटिंग करा मेरी। तो बस समझ ले, तेरा काम हो गया। पापा कल पेरेंट्स डे है, आप आएंगे ना? बेटा कल तो बहुत जरूरी मीटिंग है, एक ऑफिस भी जल्दी जाना है, नहीं आ पाऊंगा। आपके लिए मेरे पास वक्त क्यों नहीं होता?
रोजाना ऑफिस से लेट घर आते हैं और घर आके अपना ऑफिस का काम करने लग जाते हैं। होमवर्क भी मुझे अकेले करना पड़ता है। रहने दे, मत आइएगा मेरे स्कूल। बेटा पापा से ऐसे नाराज होता है? आप तो मेरी समझदार गुड़िया हो, आपको तो पता है मुझे काम करना पड़ता है ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूं। और आप अकेले क्यों पढ़ते हो? ट्यूटर नहीं पढ़ाते आप? कराते हैं पापा, लेकिन मुझे उनके साथ होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता। मामा होती थी तो मुझे होमवर्क कराती थी, मुझे सब समझ में आता था। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? वो डांटते हैं क्या? नहीं, बस मुझे उनके साथ पढ़ना अच्छा नहीं लगता। आप पढ़ाया करें जैसे मामा पढ़ाती थी। बेटा मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, मुझे बहुत काम होते हैं, आप समझ सकते हो ना। अच्छा मैं बीबी जान से बात करूंगा, मैं उनसे कहूंगा वो ट्यूटर से कहें आपको अच्छे तरीके से पढ़ा, ठीक है? रहने दे, मुझे किसी के साथ नहीं पढ़ना। बहुत सालों से ये मैंने अपने अंदर दफन किया हुआ है, आज हिम्मत बनी है तो प्लीज लेट मी टॉक, डू नॉट इंटरफेयर। मैं आज से नहीं कॉलेज के टाइम से तुम्हें पसंद करता हूं। कभी हिम्मत नहीं बनी तुम्हें ये बात बताने की। बुजदिल था, डरता था, आपके लिए मेरे पास वक्त क्यों नहीं होता? रोजाना ऑफिस से लेट घर आते हैं और घर आके अपना ऑफिस का काम करने लग जाते हैं। होमवर्क भी मुझे अकेले करना पड़ता है। रहने दे, मत आइएगा मेरे स्कूल। लेकिन मुझे उनके साथ होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता। मामा होती थी तो मुझे होमवर्क कराती थी, मुझे सब समझ में आता था। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सोचिए जरा, कुदसिया अगर मुझ तक पहुंच गई है तो उसने ये कहानियां कहां कहां नहीं सुनाई होंगी। जिनको ये भी नहीं पता कि फिजा की तलाक हो गई है उन्हें सारी कहानी पता चल जाएगी। अरे इतनी बेहया थे फिजा, क्या इसलिए अलग हुई थी कि ये सब करती फिरे? मुझे तो शक है कि आलियान से भी उसने जानबूझकर झगड़ा किया था। नहीं नहीं बुप्पू, ऐसा कुछ नहीं है। फिजा आलियान से बहुत मोहब्बत करती थी। सोमी प्लीज तुम खामोश हो जाओ। उसके बारे में हम जो कुछ भी सोचते थे ना, सारे अंदाजे गलत साबित हुए। अचानक से लड़का कहां से आ गया, कौन है, क्या तुम जानती हो उसे? नहीं अम्मा, मैं तो नहीं जानती, ना कभी देखा ना सुना। फिजा ने भी कभी जिक्र नहीं किया। और मेरी बात सुने, आप दोनों इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? हो सकता है फिजा का कोई दोस्त हो, कोई कोलीग हो, जानने वाला हो। खुद सी आंटी ने आप लोगों को ये बातें कही और आप लोगों ने मान ली। सोमी, हवा में गिरा कोई नहीं लगाता, कोई तो वजह होगी जो लोग बातें बना रहे। बस अब इसका एक ही तरीका है, तुम सब लोग मेरे साथ चलो और हम जाते हैं जाके उसे यहाँ लेकर आते हैं और उसे कहेंगे कि यहाँ पर रहे, वहां अकेली रह के ना माँ बाप की इज्जत का जनाजा ना निकाले। यही होना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है कि इस तरह उसे मनमानी करने के लिए नहीं छोड़ा जाए, यहाँ लाया जाए, ढंग का कोई रिश्ता देकर उसका ब्याह कर दिया जाए।
फिजा, लोग आपको सुकून से जीने नहीं देंगे। इतने बड़े घर में एक अकेली लड़की का रहना, लोगों की तो छोड़ें, अपने घर के मुलाजिम तक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं जानती हूँ, सही कह रहे हैं आप। फिजा, मैं समझता हूँ दैट यू हैव फियर्स, जो कि सही भी है, लेकिन इस दुनिया में हर कोई आलियान जैसा नहीं होता ना। दुनिया में और भी लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं। वैसे आपको किसी ना किसी पर तो भरोसा करना ही होगा ना। क्या हमजा भी इस काबिल नहीं? नहीं है, कोर्स ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है फिजा, कैसी बात है? फिजा, इतने सालों बाद हम किस्मत से दोबारा मिले हैं। तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। और तुम्हें क्या लगता है वो जो आलियान है वो अकेला गम में कहीं रो रहा होगा बैठ के कोने में? नहीं, जब वो किसी के साथ हो सकता है तो क्या तुम किसी के साथ होना डिजर्व नहीं करती? हमजा ठीक कह रहा है, आप जरा सोचिएगा। इस तरह तो आपके घर वाले भी आपको रहने नहीं देंगे। फिजा, क्या आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकती? मेरा मतलब है, अपनी जिंदगी के फैसले उन लोगों के हाथ में दे देंगी जिन्होंने कभी आपका साथ ही नहीं दिया? नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही करना चाह रही हूं। गुड, वेरी गुड। अम्मा शायद फिजा को घर ले आए। वो आ जाएगी? आना पड़ेगा, सब बहुत परेशान हैं। अम्मा, पुप्पो, रजा, बल्कि कह रहे थे किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया है उस बेवकूफ ने। बेवकूफ है, बर्बाद करेगी खुद, नहीं जानती बिजनेस कैसे करते हैं। क्या कर सकते, आपको तो पता है मशवरा तो करती नहीं है वो किसी से। बेहतर होता कोई जॉब कर लेती। खैर, अच्छा है, घर आ जाए। तुम जाओगी लेने? अम्मा कह रही थी कि सब चलेंगे तो शायद चले जाए। सोमी, सोमी जल्दी आ जाओ, देर हो रही है बेटा। भाभी, आपने फिजा को कॉल कर दी थी कि हम आ रहे हैं, ये ना हो हम घर जाएं और वो हो ना। नहीं नहीं, मैंने कॉल की थी उसे, मैंने कहा था कि लंच पे आएंगे, उसने कहा नहीं 4 बजे के बाद आइएगा, तो आई थिंक टाइम हो गया। मामी, सोमी कहाँ रह गई, बुलाए ना उसे। हाँ सोमी, अरे जल्दी करो ना बेटा, देर हो रही है। चले, लेट्स गो। आज वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? कहाँ से आ रही हो, बहुत तैयार हुई भी हो। वालेकुम अस्सलाम, ये कौन है? मामा, इनसे मिले, ये हमजा है, मेरे शौहर। क्या Thank you.
अम्मा क्या होगा इतना रोने से, बस करें, ले पानी पिए। मर क्यों नहीं जाती, मैं आखिर जिंदा क्यों हूं? अरे तुम्हारे बाबा की जगह मुझे मर जाना चाहिए था। काश ऐसा होता कि दिन देखने से पहले मैं जिंदा ना रहती। सोचती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे अब्बा जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होते अपनी आंखों से देखते कि उनकी लाडी ने ये गुल खिलाए तो उन पर क्या बीतती। क्या कर दिया तुमने मिर्जा, क्या कर दिया, क्या कर दिया? भाभी ये तो होना था। मैं जानती हूं कि आपको दुख है कि उसने अपनी मर्जी की, लेकिन सच पूछे ना तो मुझे इत्मीनान हो गया, क्योंकि ना अब वो आपकी जिम्मेदारी है और ना बाप की इज्जत, अब वो अपने शोहर की जिम्मेदारी है और उसी की इज्जत। फिजा से वैसे ये उम्मीद नहीं थी। फिजा ने अगर शादी करनी थी तो हम लोगों से बात करती। भाई हमने कौन सी अपनी मर्जी करनी थी, उसकी मर्जी की करवा देते शादी। भाभी आप जानती तो हैं अपनी बेटी का मिजाज, वो ऐसी थी, ऐसी है और ऐसी रहेगी, उससे कुछ भी बईद नहीं। आलियान की कदर मेरी नजर में बढ़ गई है। अब सोचें जरा आपकी बेटी की जिदें वो कैसे बर्दाश्त करता होगा। अच्छा बस करें मुखो, अब कैसे फिजा की ही बातें रहेगी, अब उसी पे रोना है, जो हो गया वो हो गया, जाने दो। अम्मा रोना बंद करें, ये पानी पिए ठीक। क्या बात है फिजा, मैं बस ये सोच रही थी कि अगर मम्मा कुछ कह देती ना तो मुझे तसल्ली रहती, वो बिना कुछ कहे चली गई है और मुझे बेचैनी हो रही है। सब सदमा तो हुआ होगा ना उनको, सोचा तो होगा उन्होंने, परेशान तो हुई होंगी ना। तुमने अपनी मर्जी चलाई, अपनी मनमानी की, और फिर साहब अच्छे घरानों में ये नहीं होता, लोग अपनी पूरी फैमिली इसको बुलाते हैं। मेरा भी दिल था कि तुम अपनी फैमिली को बुलाओ, अपनी माँ को बुलाओ, सोमी को बुलाओ। कैसे करती मैं ये हमजा, मामा को कुछ भी बताने का मतलब है वो सबसे पहले सोमी की राय लेंगे, और सोमी तो यही चाहती है कि मैं ऐसे अकेले सड़ती मरती रहूं। मामा को लगता है कि सोमी से ज्यादा मासूम इस वक्त और कोई नहीं है। और पिछली दफा जब मैं घर गई थी, पता है मामा क्या कह रही थी, वो किसका फेवर कर रही थी, आलियान का, माय एक्स। मुझे ये बावर करा रही थी कि मैंने उसकी जिंदगी को तल्ख कर दिया। क्या ये, क्या उन्हें ये नहीं नजर आता कि मैं किस अजियत से गुजरी हूं? क्या औरत की जिंदगी बस यही है कि उसके साथ सब कुछ होता रहे और वो कुछ भी ना कहे, वो बर्दाश्त करती रहे, उसके साथ जुल्म करे कोई, उसको अकेला छोड़ दे लेकिन वो कुछ भी ना कहे? मुझे समझ नहीं आता, क्या क्या लोगों को औरत इंसान नहीं नजर आती? क्या डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों करते हो औरतों के साथ ऐसा? फिजा क्या कर रही हो, कैसी सोच से मिला रही हो मुझे? फिजा मुझे शदीद नफरत है ऐसे लोगों से जो औरतों पे जुल्म करते हैं, मनमानी करते हैं औरतों। फिजा मेरे लिए औरत बहुत मुकद्दस है,
मोहब्बत करने वाली चीज, इज्जत करने वाली चीज। जो भी हो।